आगे से तुम्हें गुरु स्थापित है। हम लोग कहते थे गुरु आगे से तुम्हें स्थापित नहीं हो सकते, और फिर मैं कह रहा हूँ कि गुरु का मतलब नाम सीमा ही नहीं, गुरु गुरु अपने आप में उस परंपरा का एक सूत्र है जो आज से 40 पीढ़ी जो पहले था आज मैं हूँ, मेरे बाद एक और होगा, गुरु का एक प्रतीक है। मैं गुरु और शिष्य अपने आप में समाप्त नहीं हो सकते, क्रिया कालो जन्म काल समाप्त होता नहीं, व्यक्ति भी समाप्त नहीं होता, शरीर और देह समाप्त होती है, ये आपकी देह जल सकती है, आपके प्राण तो नहीं जल सकते, प्राण आप भी जन्म लेंगे। अब यदि आप में ताकत है इस देह को भी आप क्षणशील नहीं करें, जगने के योग्य नहीं बनाए, ये देह को इतनी ताकतवान बना दे ये देह समाप्त नहीं होगी, वापिस देह नवीन रूप में दान कर सकती है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोई कठिन क्रिया नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि उस अमर तत्व को प्राप्त करने के लिए हम धारण करें, सबसे पहले तो गुरु को, और गुरु को धारण किया जा सकता है दो तरीकों से, उन दो तरीकों को कहते हैं सेवा और समर्पण। नाम से नहीं, ऊपर से कहने से कुछ नहीं, गुरु को मिठाई खिलाने से भी नहीं, और गुरु को 5 करोड़ रुपए देने से भी नहीं आ सकता। इसके माध्यम से गुरु ध्यान धारण नहीं हो सकते। यदि किसी गुरु को आप 5 लाख रुपए दे देंगे, 5 लाख आप धारण ले जाते चक्कर में नहीं हो सकते, कैसे होंगे वो 5 लाख रुपए तो ले सकते हैं, और यदि आप उनको राशि वस्त्र दे दें, इन तरीकों से हो ही नहीं सकता। अब आपको आदत पड़ी हुई है कि कहीं काम नहीं हो रहा हो तो दिया पैसा काम हो गया कुछ, तो आप भी कुछ ऐसा तरीका करिए कि आप चिंता मत करिए, मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, मैं आपको 5 लाख रुपए दे दूंगा, आपके तुरंत आ जाइए आगे चक्कर में, वैसा पॉसिबल नहीं हो सकता। गुरु धारण होता नहीं है, शिष्य धारण करता है सेवा के द्वारा। सेवा सेवा का मतलब है जो गुरु को आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जाए उसको सेवा कहते हैं। सेवा की डेफिनेशन ये, जो गुरु की आवश्यकता है उसको आप पूर्ति करें। मैं आपके घर में आऊं, प्यास गले में बहुत कलते पड़े और धूप में आऊं और मैं प्यास मर रहा हूं और आप गुलाब जामुन की प्लेट रखते हैं, मुझे गुलाब जामुन खाने, अरे मुझे प्यास, आपको मामूली आदमी है, ये पानी तो किसी को भी पिला देते, आप गुलाब जामुन खाए, आपका बार बार आते हैं, ये सेवा मिलती है। आप निश्चित रूप से बहुत ज्यादा कीमती चीज दे रहे, पानी से ज्यादा कीमती गुलाब जामुन, 40 रुपए किलो है, मगर वह सेवा नहीं है। उसको पानी की जरूरत है आप पानी उसको दे, उनको पैर दबाने की जरूरत है उसको आप पैर दबाए, उसको जिस बात की आवश्यकता है यदि गुरु है तो, अगर स्वार्थी तत्व है तो गुरु हो नहीं सकता, अगर गुरु है तो आप किस बात को ध्यान रखें। सुबह मैंने बताया आंख का नर्तन आप करें और सीखें कि गुरु को किस चीज की जरूरत है, गुरु नहीं भी बोले संकोच की बात नहीं बोले, उसके पैर फूटते हैं और आंख नहीं बोलेगा कि तू मेरे पैर दबा, क्योंकि पैर दबाना अपने आप में सामान्य प्रक्रिया नहीं है। ऐसे कई सैकड़ों साधु सन्यासी है जो अपने पैरों को स्पर्श नहीं करने देते, मानव ने पैरों को स्पर्श नहीं करने देते थे, स्पर्श नहीं करने देते, इसलिए कि पैरों को स्पर्श करने का तात्पर्य है कि गुरु के पास जो भी शक्ति है जो भी तपस्या का अर्थ है वो आप उसे प्राप्त करते हैं, जो टच किया जो प्राप्त हुआ, चाहे एक सेकंड में एक पॉइंट मिला दो पॉइंट मिले, मगर उस तपस्या का अर्थ तो जाएगा ही जाएगा, गारंटी के साथ जाएगा उसके स्पर्श करते ही। इसलिए वे उस तपस्या को अपने आप में पूंजीभूत रखने की वजह से अपने चरणों को छूने नहीं देते, क्योंकि जो छुएगा कुछ न कुछ मार कीड़ों पहले तो 1 तोला का तो जाएगा, फिर 2 तोला जाएगा, 3 तोला जाएगा, जाता ही है, इसलिए गुरु छूने नहीं देते। ऐसे भी कई लोग हैं जिनके पास 1000 रुपए है वो खर्च नहीं करने देते, वो 1000 रुपए को संभाल के रखते हैं, क्योंकि उनको अगला 1000 कमाने की ताकत नहीं है, 1000 कमाता तो 1000 बना लेते, नहीं देते तो चलो छूने देते। उस बात का ज्ञान है कि 1000 रुपए खर्च हो जाएंगे, अगले 2000 रुपए कमाने की सामर्थ्य है, ताकत है, वो 1000 रुपए बिखेर भी देगी, मैं जिनको अभी का ज्ञान है ही नहीं वो कंजूस का धन है, 1000 रुपए आ गए भले आ गए, अब उनको न खर्च करेंगे न खाएंगे, मैं गुरु हो भी नहीं सकता। गुरु का रूप है कि दे और ले, सेवा ले अपनी सामर्थ्य और शक्ति और तपस्या दे, ये जरूरी है। यदि आपसे पानी का गिलास अगर मैं पीता हूँ तो निश्चय ही मैं तपस्या का कुछ हिस्सा आपको प्राप्त होता ही है, गारंटी के साथ होता है, और इसीलिए गुरु संकोचवश काम नहीं सौंपता शिष्य को अपने हित चिंतन में, अपने चिंतन में, यद्यपि इसके मालिक का प्रभाव उस पर भी पड़ता होगा, पैर दर्द करते होंगे कि भूख लगती होगी प्यास लगती होगी और सब कुछ होता होगा, मगर शिष्य उसकी आंख का नर्तन देख ले कि गुरु
उनको किस बात की आवश्यकता है, उस आवश्यकता को पूर्ति करने को सेवा करें। मैं आपको बिल्कुल सरल सामान्य भाषा में उस क्रिया योग को समझा रहा हूँ, उस मैं जटिल प्रश्न में नहीं उलझा रहा हूँ ब्रह्म और माया और चिंतन, क्योंकि क्रिया योग को समझाना अपने आप में अत्यंत जटिल है। और सेवा ही आगे चल करके समर्पण बन जाता है। जब सेवा करता करता आदमी इससे ऐसी आ जाती है कि अपना भान शिक्षक को फिर नहीं रहता, वो अपने आप में गुरु में समर्पित हो जाता है। उसका शरीर, उसका चिंतन, उसका विचार, उसका परिवार, उसका धन, उसका मकान अपने आप में गुरुमय हो जाता है। और गुरु आज आप गुरुमय कर रहे हैं, और आज से 40 साल पहले मैंने गुरुमय किया होगा, मैं भी शिष्य रहा हूंगा, मैं भी राशि रास्ते से बढ़ाऊंगा। इस रास्ते से आप बढ़ रहे हैं, मैं आप लोगों को सलाह दे रहा हूँ कि सेवा और समर्पण से बढ़ सकते हैं, तो मैंने भी उस सेवा पर पहला पांव रखा होगा। वो सेवा पर मैंने 25 कदम भरे होंगे, फिर समर्पण में 50 कदम भरे होंगे, तब धारणा में मैं भी पहुंचाऊंगा। रास्ता वही है, उस रास्ते पर चलकर यदि धारण किया है तो बिल्कुल प्रामाणिक रास्ता है, क्योंकि मेरा अनुभव गम्य है। और उस अनुभव गम्यता के आधार पर निश्चय ही उस जिसको हम पूर्णता कहते हैं, जिसको हम ज्ञान गुंज कहते हैं, जिसको हम ज्ञान पीठ कहते हैं, और जिसको हम सिद्धासन कहते हैं, एक ही तात्पर्य, एक ही चिंतन है जहां पहुंचा जा सकता है। तो सेवा और समर्पण के माध्यम से ही गुरु को धारण किया जाता है। इसमें कितना टाइम लगता है? इसमें टाइम लग सकता है 5 घंटे सिर्फ, और लग सकते 500 वर्ष। आपकी सेवा किस तरह की है? स्वार्थ में सेवा है या पूर्ण निश्चित रूप से सेवा है? क्योंकि मैंने उस पूरी बातचीत में समझाया कि उनकी जो आवश्यकता पूर्ति हो उसको सेवा कहते हैं। इस सेवा और समर्पण से धारणा होती है, और जब गुरु धारण जाता है तब अपने आप में व्यक्ति गुरुमय हो जाता है। क्रिया योग तो क्रिया योग है, शादी का तरीका एक अलग है। मंडप में बैठना पड़ता है, एक लड़की को लाल कपड़े में बहराना से बैठना पड़ता है, फिर उसको 4 फेरे खाते हैं, फिर उसको घर ले जाते हैं। वो तरीका है, वो अपने आप तरीके, इस तरीके से वो उसको धारण किया नहीं जा सकता। पहले शादी का तरीका अलग है, संतान पैदा करने का तरीका अलग है, क्रिया योग का तरीका अलग है। इस रास्ते पर चलना पड़ेगा, किस तरीके को अपनाना ही पड़ेगा। मगर ये डिफिकल्ट नहीं है, ये इतना आसान है कि सेवा के लिए गुरु उपस्थित होना जरूर नहीं है। आप अपने जगह पर हैं, गुरु के प्रति चिंतन है, बहुत ही सेवा है। गुरु साक्षात में ठेका नहीं, गुरु के पांव दबाने से सेवा होती है। आप वहां चिंतन करें, आप गुरु ने जो काम सौंपा उस काम को करें, आप गुरु को स्मरण करें, आप गुरु की पूजा करें, अर्चन करें, ध्यान करें, ये सब कुछ गुरु सेवा है। गुरु सेवा का तात्पर्य ऐसा कुछ नहीं कि आप उनके पांव दबाएं, उनको पानी पिलाएं, उनको खाना खिलाएं, इसको सेवा कहते हैं। आप यदि गुरु के प्रति मधुर चिंतन युक्त हैं, और यदि वो कुछ आज्ञा दे तो आप उसका पालन करें, और यदि आप ये समझते हैं कि यह गुरु कार्य है तो उस कार्य को करें, ये अपने आप में सेवा है। और ये सेवा अपने आप में समर्पण कन्वर्ट ऑटोमेटिक हो जाती है। और इसलिए कहा कि वो सेवा और समर्पण और धारणा में निश्चित रूप से 1 दिन या 2 दिन या 5 दिन या 10 दिन लगते हैं, वो लंबा छोड़ी प्रक्रिया नहीं है। इसके बाद मैंने सुबह बताया था कि धारणा के बाद मैं आपको ध्यान की प्रक्रिया समझाऊंगा। ध्यान का मतलब, ध्यान शब्द बना है 2.5 अक्षरों से, आधा ध या और न। प्रेम शब्द भी 2.5 अक्षरों से बना है, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। और जिसमें ध्यान का मतलब है चेतना, या चेतना जागृति, और न का मतलब है नहीं होना, विपरीत क्रिया, विपरीतीकरण। जिसको चेतना नहीं रहती, जिसको व्यापार नहीं रहता, जिसके माइंड में तर्क और वितर्क नहीं रहते, जिसके माइंड में कुतर्क नहीं होते, जो किसी प्रकार का सौदा नहीं कर सकता, उसको ध्यान कहते हैं। ध्यान का मतलब है उन सारी परिस्थितियों से टक जा। इस समय हम टेंस में हैं, और आप चाहे या नहीं चाहे टेंस में रहते ही हैं। टेंस यह है कि यहाँ बैठे तो हैं, मगर 24 तारीख को जाना है, रिजर्वेशन तो हुआ है। कितनी भीड़, गर्मी, फंस तो गए, जाना भी तो पड़ेगा, मगर कहाँ जाएंगे? गुरु जी बाहर जाने देंगे नहीं? चलो देख लेंगे, फिर भी जो कुछ होगा टीटी को देने में तुम्हारा 20 रुपये सारा हिसाब किताब माइंड में कैलकुलेट करते रहते। अब ये मैं आपको कह रहा हूँ आप ऐसा करिए, मगर ये ऑटोमेटिक क्रिया है, और ये क्रिया हमारे जीवन के साथ है, आपके साथ भी थी,
आपके पूर्वजों के साथ भी थी, वशिष्ठ के साथ भी थी, विश्वामित्र के साथ भी थी, ये थी। आदमी को सांसारिक रूप में रहते हुए ये सब कुछ करना पड़ता है, मगर इनसे कट जाए, और इसको कट जाने को अंग्रेजी में कहते हैं थॉटलेस माइंड, जिसके माइंड में कोई विचार ही नहीं हो, उसको ध्यान कहते हैं। हम जिसको ध्यान कहते हैं अंग्रेजी में उसको थॉटलेस माइंड कहते हैं, जहां किसी प्रकार की विचार की भावना आवे ही नहीं, अपने आप में पूर्ण अपने आप में निमग्न हो जाए। और मैं सोचता हूं कि यह तो अपने आप में बहुत ऊंची प्रक्रिया है, कि हमारा सारा ये वृद्धता, हमारी सारी बुढ़ापे की जो स्थिति है, हमारे जो रोगों की स्थिति है, या दिमाग के चिंतन से ही रोग आता है। अब कई बार देखेंगे एकदम से कोई व्यक्ति है 40 साल का, काले बाल है, चेहरा सुंदर है, बहुत है, और जवान लड़की की मौत हो जाती है, और कई बार देखा होगा कि 7 बजे उसके सफेद बाल आ जाते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं। ऐसी कई स्त्रियां हैं कि जो एक जवान 24 साल का लड़का मरता है, 7 मिनट बाद बिल्कुल जर्जर हो जाती है, बुढ़ी हो जाती है, और खाट में पड़ जाती है, मर जाती है। ये सब क्या है? एक धक्का है वैचारिक, एक दिमाग का है कि एक चीज मेरे पास की चली गई। इसी मानसिक तर्क और वितर्क, चिंतन और विचार के माध्यम से ही व्यक्ति रोगी होता है, बीमार होता है, अशक्त होता है, वृद्ध होता है, मृत्यु को प्राप्त होता है। इसको हम जितने समय तक काट सके और जितने क्षण तक काट सके उसको ध्यान कहते हैं। और ध्यान के लिए बृहदारण्यक उपनिषद में एक बहुत सुंदर व्याख्या की है, और उस व्याख्या का अर्थ यह है कि व्यक्ति एक दिन रात में 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटों में यदि व्यक्ति 3 घंटे में ध्यान लगाए, 3 घंटे क्या? 3 घंटे हमारे लौकिक नहीं, उपनिषदों की भाषा में केवल 6 मिनट का 1 घंटा कहलाता है। जिसको हम 6 मिनट कहते हैं उसको उपनिषद की भाषा में, लौकिक भाषा में 1 घंटा कहते हैं। जहां मैं 3 घंटे कह रहा हूं उसका मतलब है लौकिक भाषा में 18 मिनट, 18 मिनट का मतलब है 3 घंटे पूरे। उस 18 मिनट का ध्यान अगर किया जाए तो लौकिक अर्थ में हमने 3 घंटे ध्यान लगाया, और 3 घंटे ध्यान लगाने का मतलब है कि जो हमारी आयु है उसमें 3 घंटे जुड़ गए। इसलिए जुड़ गए कि हमने 3 घंटे तक कोई एक्टिविटी नहीं की। आदमी एक्टिविटी करते हुए तो आदमी जब सक्रिय होता है तो मृत्यु होता है, हम सक्रिय थे ही नहीं। तो जितने घंटे यदि आपने जीवन में समाधि लगाई, ध्यान लगाया, उतने घंटे आपके आयु में जुड़ते रहेंगे ऑटोमेटिकली। यानी 6 मिनट में 1 घंटा जुड़ता है, आपको कल्पना करें। हम जीवन में केवल सुबह आधा घंटा तक ही लगाए तो नित्य 6 महीने अपने आयु में जोड़ सकते हैं, आगे मृत्यु को प्राप्त हो नहीं सकता। मृत्यु जीतने की क्रिया, यह मतलब नहीं कि मरे नहीं, हम खुद मृत्यु को परे हटा सकते हैं। और उस उपनिषद में एक सुंदर चिंतन के माध्यम से, इस श्लोक के माध्यम से, जब मुंडक उपनिषद में नचिकेता प्रश्न करता है यम से, यदि आपने मुंडक उपनिषद पढ़ा हो तो उसमें बड़ा ही क्रिया योग के बारे में और पुण्य जागरण के बारे में बड़ा सुंदर ढंग से समझाया है। यम मृत्यु का देवता है और नचिकेता प्रश्न करता है कि मैं आपसे विमुख कैसे हो सकता हूं। उन्होंने कहा कि सक्रिया है, सदक्ष है, समृत्यु नहीं परम, सब पूर्णानंद से कुंडलिनी में सार मृत्यु अमृत्यु रूप। हम कुंडलिनी के माध्यम से उस अमृत को जो प्राप्त करते हैं, ध्यान लगाने पर अपने आप में अमृत पैदा होता रहता है। अमृत पैदा करने के लिए कोई तरकीब नहीं है, जितने क्षण तक ध्यान लगाते हैं उतनी अमृत वर्षा होती ही रहती है, वह अमृत अपने आप में ही मृत्यु को पीछे हटाती रहती है। और 6 मिनट का मतलब 1 घंटा पीछे, 1 दिन पूरा पीछे हटाना। 6 मिनट के माध्यम से हम केवल 1 घंटा या 24 मिनट, जिसको हम कहते हैं पहर, 8 पहर 64 घड़ी, उस प्रत्येक पहर में ध्यान कितना लगाना चाहिए? केवल 24 मिनट, इससे ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत नहीं। और 24 मिनट का ध्यान अपने आप में ही उस मुंडक उपनिषद के माध्यम से, चाहे हम कह रहा है जब मुझे कहता प्रश्न करता है कि मैं कितना ध्यान लगाऊं जिससे कि मैं अमृत्यु को प्राप्त कर सकता हूं, उस समय मिनट घंटे घड़िया थी नहीं, उन्होंने दंड के माध्यम से 1 दंड 2 दंड 3 दंड, तो उन्होंने यम ने जवाब दिया है सदंड को पूर्ण, क्योंकि बस सूत्र में मुंडक में सब श्लोक में नहीं है, छोटे छोटे सूत्र है, समुंड को सपूर्ण में सब मृत्यु रही सामतम सदैव सध्यान सब मृत्यु रही अमृतम भाव पूर्व। हम जीवन में केवल 24 मिनट ध्यान लगा करके पूरे 1 वर्ष को आयु को आगे बढ़ा सकते हैं, पूर्ण ध्यान की प्रक्रिया।
ज्ञान के भी तीन स्टेज, प्रारंभिक स्टेज, मध्य स्टेज, अंतिम स्टेज। 24 मिनट का ज्ञान प्रारंभिक स्टेज में 1 महीने को पूरा जाता है, मध्यम स्टेज में 6 महीने को आ सकता है, पूर्ण स्टेज में पूरे साल को हमें आयु वृद्धि कर सकता है। क्योंकि 1 साल की आयु वृद्धि का मतलब है उतना अमर तत्व इकट्ठा हो जाना जिससे हम 1 साल और ज्यादा जिंदा रह सके। अब ध्यान, ध्यान को प्राप्त कैसे करें? आपने जो ध्यान की क्रिया, उस ध्यान को प्राप्त करने की क्रिया क्या है जो कि आपके लिए प्रातःकालीन प्रत्येक व्यक्ति के साधक के लिए जरूरी है, जिससे कि हम ध्यान अवस्था में जा सके, धारणा से पूरे ध्यान अवस्था में, मगर उस धारणा से ध्यान अवस्था में कैसे जाए, किस तरीके से जाए? आपने मुझे बताया कि उस वृद्धारण्यक उपनिषद में या मुंडक उपनिषद में आपने बताया कि केवल 24 मिनट पूर्ण ध्यान अवस्था में जाने पर पूरा 1 साल मिलता है। और जब भीष्म पितामह शस्त्रसज्जा पर पड़े थे तो उन्होंने कृष्ण से पूछा कि मैं अपने जीवन में उस क्रिया योग के माध्यम से मेरी मृत्यु नहीं हो सकती है कृष्ण, क्योंकि मैं क्रिया योग के माध्यम से उस अमर तत्व को प्राप्त कर सका कि मृत्यु जब मैं चाहूंगा तो मृत्यु प्राप्त होगी, इच्छा मृत्यु की साधना कर चुका। आपने मां बात पढ़ा इच्छा मृत्यु, हम चाहे तो मृत्यु आवे, ऐसा नहीं आएगी नहीं, अगर हम चाहे कि मृत्यु आवे तो आवे, अगर हम जिंदगी में नहीं चाहे मृत्यु नहीं आ सकती। और मृत्यु नहीं आने का मतलब है पूर्ण सिद्धार्थ प्राप्ति प्रयोग, सिद्धासन जहां मृत्यु प्राप्त हो ही नहीं सकती, क्रिया योग की पूर्णता सिद्धासन का प्रारंभ, जहां क्रिया योग समाप्त होता है वही सिद्धासन प्रारंभ होता है। परम तत्वाय नारायण।